Good bag. बन जान आए भैया, क्यों ये छोड़ के जा रही थी भगा गड्डू आ भाग मार है फिर भी इसको डर नहीं लग रहा। तो हेलो दोस्तों, कैसे कि हम सब कैसे, आई होप आप सब मौज में हो, अगर मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल अभी हम है यहाँ पे गन्ना काट रहे हैं, माला भाई, हरी भाई और आपा कहाँ गए? माला आपा कोई तले नहीं। हाँ तो यहाँ पे है सामने एक हमारे जो किसान भाई का यहाँ पे घर है, तो वहाँ पे जो है कि आपा गए हैं कोयता लेने के लिए, और सुरेश भाई जो है कि अभी घर पे है क्योंकि हमारी जो शिकारी है वो आज बच्चा देने वाली है। तो मैं, माला भाई, हरी भाई और आपा, हम तीनों यहाँ पे गन्ना काटने के लिए आ गए और सुरेश भाई को जो है कि घर पे रखा। सुरेश भाई तो फुल एक्साइटेड है क्योंकि अपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, वो बोला था कि उसको बछड़ा होगा क्योंकि वो पहले से जो भी गाय बच्चा देती है तो सीधा बोलता है बछड़ा होगा, लेकिन मैंने बोला था उसको बछड़ी होगी। तो सुरेश भाई बोले मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है तू रुक, तब जाके जो है कि हम गन्ना काट के आते हैं। तो शिकारी अभी लगभग, तो हम यहाँ से घर पे जाएंगे तब तक तो शिकारी ने बच्चा दे दिया होगा, क्योंकि मैं भी रुकने वाला था लेकिन ये जो खेत है, जो किसान भाई है, इनको यहाँ पे गेहूँ की फसल लगानी है तो इसकी वजह से बहुत घाई कर रहे थे। तो आपा बोले कि तू चल फटाफट से, अपन काट के आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी मैं और हरी भाई तो आए थे, तो अभी फटाफट से जो है कि ये गन्ना काट लेते हैं, फिर अभी जो गन्ना है इसको काट के यहाँ पे पहले काट के भरना है, भरने के बाद फिर यहाँ पे एक कांटा है वहाँ जाके इसका वजन करना है, फिर हम घर पे जाएंगे क्योंकि हमने ये जो गन्ना है वो वजन पे लिया है, डायरेक्ट नहीं लिया, नहीं तो डायरेक्ट क्या होता है कि भाई ये पकड़ो 1000-2000 और पूरा गन्ना घर पे लेके जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा। अभी वो क्या करते हैं किसान भाई, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई वजन पे लेके जाओ, ना तुम्हारा घाटा ना हमारा घाटा। तो मैंने बोला ठीक है तो ऐसा करो। तो फिलहाल जो है कि इधर काट रहा है हरी भाई और इधर है माला भाई, और गन्ना देखो कतई शानदार है और बहुत मीठा है। देखो इस रसवंती का गन्ना है जो कि ये लोग इसको गन्ना का रस निकाल के पीते हैं, ये वो गन्ना है, लेकिन फिलहाल जो है कि हमारी गाय खाएंगी। तो भाई चलो फटाफट से काट देते, उतार रखो। फिलहाल जो है कि अभी इतना सारा जो गन्ना है वो काट दिया है, अभी इतना खड़ा है तो उतना काट रहा है। उधर सामने अप्पा गन्ना काट रहे हैं और इधर माला भाई है। माला भाई ऐसा दिन भर काम करता है तो शाम को कितने बजे नींद आती है? 8:30-9 बजे नींद आ जाती है। तो मैं तो जब गुजरात में था तब, मैं अभी 10 महीने फिलहाल की अभी गुजरात में रह के आया, तो मेरे को वहाँ 1 बजे से पहले नींद ही नहीं आती थी। तो जनाब ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे इतना काम होता है कि 8:30-9 बजे नींद आ जाती है। गुजरात में गुजरात में क्या कम काम रहता है, तो क्या आई थी नींद रहती है, काट के डाल दो और गोठे में डाल दिया, सो जाओ। इधर नहीं, सुबह उठो, गाय दो, गन्ना लेने जाओ, बाकी का भूस का ट्रैक्टर भर के लाओ, आओ नहाने का, खाना खाने का, बाद में गाय छोड़ने का, जाओ चराने को, आओ शाम को 5 बजे, 5 बजे आए वापिस बांधो, वापिस दूध निकालो, वापिस उनके सुबह के टाइम के वो कुत्ते के घमेले भरते भरते 8 बज जाते हैं, वापिस खाना खाने का और गोदड़ी ढूंढने के और सो जाने का, इतना है ये काम। नहीं नहीं वहाँ पे क्या होता है पता है क्या आपको? गुजरात में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास गाय ज़्यादा है, वहाँ पे गाय कम है, और वहाँ पे सभी गाय कम ही रखने, इतना ज़्यादा गाय नहीं रखते। यहाँ पे क्या है कि चारा मिल जाता है, इसकी वजह से गाय ज़्यादा रखते हैं, और यहाँ पे जो चारा का दाम है वो बहुत कम है। गुजरात में चारा का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इलाकों में पानी की बहुत कमतरता है, तो उसकी वजह से जो इलाकों में पानी कम है और जहाँ पे चारा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे के जहाँ पे पानी कम है जो वहाँ पे गाय रखते हैं तो वहाँ पे चारा लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे चारा का रेट जो है कि ज़्यादा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में चारों ओर पानी है तो चारों ओर चारा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चारा का जो रेट है वो बहुत कम होता है। तो किसान भाई भी जहाँ भी लेने जाओ तो डायरेक्ट अपने को चारा है वो बेच देते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अगर सूखा चारा होता है तो खुद इकट्ठा करके रखते हैं किसान भाई, आप जाओ भर के लेके आओ, तो बहुत कम होता है काम। मैं वहाँ पे 10-10:30 बजे मेरा पूरा जो काम है वो ख़त्म करके पूरे दिन कुछ काम नहीं होता था वहाँ पे, क्योंकि गाय चराने के लिए वहाँ पे जाना नहीं था, तो पूरे दिन काम नहीं होता था। शाम को 5-5:30 बजे कुछ काम, 5:30 बजे तक कुछ काम नहीं पूरा दिन। फिर 5:30 बजे एक बार कुटी निकालनी है, एक बार गाय को कुटी कर दिया, फिर ख़त्म। फिर 8-10 बजे गाय को पानी पिला देने का, ख़त्म। तो मैं सीधा 1 बजे के बाद ही सोने का, यहाँ पे कसम से बोलता है, इतना सारा काम है कि 8 बजे से पहले नींद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सुबह अभी मैं उठा हूँ 4 बजे,
मिल्क किया, वो जो भूसका ट्रैक्टर था वो खाली किया, अब सीधा यहाँ पे गन्ना भरने के लिए आए हैं। अभी यहाँ से हम 10 बजे तक घर पे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर से गाय छोड़ना है, फिर गाय लेके आएंगे शाम को 5 बजे। 5 बजे आने के बाद कुट्टी निकालनी है, मिल्किंग करना है, तो बच जाते हैं शाम को फिर से 8। तो आज 8 बजे काम ख़त्म होता है, तो सीधा बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसकी वजह से चलो फटाफट से इतना काट लेते हैं और निकलते हैं। ये वो कहीं ना है बाबा, आई नो मजा करो। हूं कापा मंडू तो कापा मंड हम ओवर मंड आधे पर मंड मैं मत किधर फायो आ गए बस कर दे टी सर आज और दी भाई नु इनके इन हूं फायो आ गए वा गए ले तो तू जाए काम कर मार ले शटर पहले शटर मा था है तेरे को जो जा पा गयो तो गर्म हो रहा है। तो अभी इसको ये वाला मेरे वाला टी शर्ट चाहिए, तो बोल रहा है कि नहीं अगर टी शर्ट दे नहीं तो तू भर, तो मैं बोला मैं काटता हूँ तू भर, क्योंकि काटना अभी इतना बाकी है, कुछ नहीं थोड़ा सा जे तीन चार बत्ती है ये। ओके 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 चल टी शर्ट ले ले चल 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 अभी फटाफट से भरने लग जा चल अरे मोटा भरो अरे उठ हमारा चलो अभी इतना फटाफट से काट देता हूँ। वो साइड है अंगूर का बगीचा और इधर है गन्ना ही गन्ना, आप देख सकते हो बहुत सारे गन्ने हैं इधर, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक गन्ना है, बोले तो यहाँ नहीं, इसमें तो धनिया है, सामने गन्ना है, वो गन्ना और नज़ारा देखो काफ़ी शानदार। अभी ट्रैक्टर रिवर्स ले रहा है, अभी ये 10 मिनट में भर लेंगे और सीधा चलते हैं घर पे, मले शिकारी अभी बच्चा देने वाले हैं। तुझे क्या लगता है बछड़ा देंगे या बछड़ी? बछड़ा नहीं बछड़ी, बछड़ा क्या देखते चल घर पे जाके देखते, बछड़ा ही होगा। बछड़ी हुई तो बछड़ी हुई नहीं वाला भाई बछड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, बछड़ी हुई तो अच्छी बात है। ठीक है, भगवान कहाँ है रे तू बहुत हाल है माला भाई के, हरी भाई कहाँ गया? हेलो कई यहाँ पे कोई किसान भाई हमें आवाज दे रहा है, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा घुमान। तो अभी ट्रैक्टर जो है कि आपा लेके जा रहे हैं वजन करवाने के लिए, और हमें यहाँ पे किसान भाई ने हमें वहाँ उनका दूसरा गन्ना है वो भी उनको बेचना है तो बुलाया था, तो देख लिया। अभी हम चलते हैं तीनों घर पे, आपा काटा करके आएंगे। आपा ने ट्रैक्टर क्यों बंद कर दिया? किसना कि हम घर पे पहुंचने वाले हैं और देखते हैं कि हमारी शिकारी ने क्या दिया है। तो अभी देखते हैं, अभी सुरेश भाई तो यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये हमारे शाहरुख भाई हैं, और ये हमारे विजय भाई ये हमारे महाराष्ट्र के विजय भाई है, और जो गुजरात के विजय भाई देखते हैं वो अलग है, ये विजय भाई अलग है। तो हमारे सुरेश भाई जो है कि यहाँ पे मुँह लटका के बैठे हुए हैं। सुरेश भाई क्या हुआ? मैंने देखी नहीं अभी तक। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तूने देखी नहीं? नहीं 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 गलत बात है, नहीं 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 तूने देखा है मैं करत तालीस नहीं 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 देखा है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तूने देखा होगा लेकिन मैंने बोला था बछड़ी होगी तो बछड़ी होगी, मैं गया नहीं उधर। नहीं नहीं गलत बात, मैं जी भाई ने बच्चे किसी ने नहीं देखा। हाँ गलत मत बोलो, नहीं देखा है इसने, देख क्या तू तो मुझे पता है 100% बछड़ी हुई है। कहाँ पे? झुपड़े में। कहाँ देख? ब्लैक हाउस। कहाँ पे? नथी ले माँ, अरे नथी आ गए। हाँ हाँ ओ देखो इसने कहाँ जाके उसको रख दिया, सीधा घर में। ये वाला जो है कि मेरा घर है, मैंने ऐसे ही बैठने के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया था यहाँ पे। मैं अभी मैं ऐसे 10 महीने निकल गए, तो इसमें सब गाय बंद करके रख दिए उन्होंने। ये इसमें हरी भाई रहता था और इसमें मैं था, और ये देखो अभी तो इसमें सब चारा वगैरह, और ये रही अपनी शिकारी। और शिकारी फाइनली बछड़ा है, बछड़ी में आपको देख के बताता क्या हुआ है। और ये देखो यहाँ पे पूरा चारा, इसमें यहाँ पे मैं यहाँ पे खटिया थी, ऊपर मैंने एक फैन लगाया था,
और सामने जो है कि मेरे कपड़े वगैरह सब सेपरेट था, मुझे जो चाहिए मैं फटाक से ले पाऊँ, क्योंकि हम चार पांच भाई है तो सबके कपड़े जो मिक्स हो गए कि मेरे कपड़े ढूंढने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से मैंने अलग कर दिया था सब मेरा जो है कि यहाँ पे मैंने सब सामान वगैरह रखता था। लेकिन अभी देखो पूरा गंदा कर दिया सब, अंदर चारा वगैरह कर दिया, जब गाय बच्चे देती तो उसको अंदर लाके बिठा दे, क्योंकि यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ये कचरा है तो गाय को नीचे चुभता नहीं। अरे बैठ 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 बैठ, अरे बैठ, अरे उलू 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 उलू, वाह 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 वाह, अभी कतई शानदार बच्चा हुआ है। लेकिन बछड़ी है, बछड़ा है नहीं, बछड़ी जो होगी इसकी वजह से सुरेश भाई ने बताया नहीं, नहीं तो मुझे पता है बछड़ी होगी। क्या है, बछड़ी है, बछड़ा है, चिक्कू ये गारे। अभी तक उसकी जो है कि जार भी नहीं पड़ी है और अभी भी इसका मिल्क भी करना है, लेकिन अभी पहले जार पड़ जाएंगे, बाद में मिल्क करेंगे। अरे पीछे मत, अंदर जा, जा अंदर। अरे तंता पिस्तुल, अरे अरे आप पीछे से कौन पुष्पा करता है, ऐसा होता है पुष्पा, ऐसा पुष्पराज, आम आम पुष्पराज करता। तो फिलहाल जो है कि मैं देख के आया हूँ उसको क्या हुआ है, बछड़ा हुआ है या बछड़ी हुई है, लेकिन सूरज भाई ने मुझे बताया नहीं, अभी मैं जाके उसको पूछता हूँ। भाई मैंने देखा नहीं, तूने देखा तो तू ही बोल। मैं पायलट नहीं माना, इसने देखा था उसको क्या हुआ, लेकिन उसको पता था क्योंकि कल हमने बोला था, इसने बोला था कि बछड़ा होगा, मैंने बोला था बछड़ी होगी, और फाइनली हुई है उसको बछड़ी। तूने क्यों बोला बछड़ा होगा? नहीं नहीं, उसकी बार बछड़ी हुई तो ये बात बोले बछड़ा होगा। तो क्यों पहले दो बार क्या हुआ था उसको? बछड़ी। तो तुझे इस बार बड़ी वाली बछड़ी? हाँ, तो इस बार तुझे ऐसा लगा कि वो बछड़ा देंगे ऐसा? लेकिन मुझे पता था वो बछड़ी देंगे, क्योंकि उसको अभी तक उसने जितने भी दिए हैं सब बछड़ी दिया है। नहीं बछड़ी देती हूँ, बछड़ा नहीं दे, बछड़ा नहीं दे। तो तुझे क्यों लगा इस बार बछड़ा देंगे? इस बार बोले बछड़ा देंगे। नहीं नहीं, क्योंकि उसने जब आज तक जितने भी कितना ईद हो गए उसका, कितनी बार बच्चा दिया उसने? चार बार क्या दिया? बछड़ी। चार बार उसने बच्चा दिया तो बछड़ी दी, तो भाई को इस बार ऐसा लगा कि वो बछड़ा देंगे, लेकिन बछड़ा नहीं दिया उसने, फाइनली बछड़ी दी। तो देख क्या है? हाँ देख क्या है, दुमड़ी पकड़ दी। हाँ। तो फिलहाल जो है कि अभी शिकारी ने तो बच्चा दे दिया, अभी है इसकी बारी, तो ये अभी मुझे लग रहा है दो चार दिन तो लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनकी डेट जो होती है हम नहीं लिखते। बहुत सारे किसान भाई जो घर पे उनके फार्म पे रखते हैं तो क्या करते हैं कि उसकी जब भी ब्रीडिंग करवाते हैं तो डेट लिख के रखते हैं, और हमारे पास इतने सारे गाय हैं तो हम उसकी डेट वगैरह जो है कि लिखते नहीं हैं। हाँ, हमारा अंदाज होता है तो लगभग 5 दिन या 8 दिन या 15 दिन का कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, 15 दिन के आजू बाजू में वो बच्चा दे देती है, लेकिन हम कभी भी डेट नहीं लिखते। तो अभी अंदाज एक मेरा है कि 8 दिन के अंदर ये वाली जो है वो बच्चा दे देंगी, बाकी जो पूरी गाय है उसको बहुत ज़्यादा टाइम है अभी तक। तो अभी ये गाय भी छोड़ना है, तो अभी पहले तो फटाफट से खाना पीना खाएंगे, फिर गाय छोड़ देंगे। बेटा अरे हाँ पास आवड़ो भगा गड्डू आयो, भाग भाग गड्डू आयो, ये मार्श है, गड्डो मार्श इतना, गड्डो मार्श इतना। ये गाय पूछ लू मैरू गाय नहीं लड़ू। अरे गड्डा मार से तने गाय मार है, फिर भी इसको डर नहीं लग रहा है। क्या गाय मार है? मैंने तो ना मार है, ये आई गाय मारू, हमारे पिस्तौल को मारेंगे क्या?
अरे भाई ये छोड़ के जा रही थी गाय में जा रही है चरने के लिए, तो आज इसको इधर ही रखेंगे, नहीं तो बाद में अगर वो एक दिन चरने के लिए गई कि इसकी आदत ऐसी उसकी जो बच्ची उसको भूल जाती है, फिर आने के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। महेश उसको बांध दे, किससे बांध दे उसको, बांधे नहीं तो छोड़ के भाग जाएंगे वो। जब दो दिन उसके पास ही रखना पड़ेगा, अगर दो दिन वो गाय में अगर चरने के लिए गई तो बाद में उसका जो बच्चा है उसको भूल जाती है, बाद में वो एक्सेप्ट नहीं करती, फिर इसको लगानी पड़ती है दो रस्सी, बहुत लात मारती। और बछड़ी है जो है कि कतई शानदार आई है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप शिकारी की जो बच्ची है उसका नाम क्या रखे, तो आप इस ब्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी छोटी सी कमेंट फटाफट से कर देना, वो नाम हम ज्यादा से ज्यादा जो भी कमेंट्स होगी वो नाम हम रख देंगे। तो फिर चलो मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।